विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में नववर्ष मेले के दौरान पिछले दो दिनों से लगभग 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन कर अपने नववर्ष का आगाज किया। नववर्ष के शुभारंभ पर श्रद्धालुओं ने माता की पूजा अर्चना की, हवन यज्ञ किया और पूरी रात जागरण किया। नववर्ष के मौके पर श्रद्धालुओं ने मां की पूजा अर्चना की और हवन यज्ञ किया, वहीं पूरी रात जागरण में भी भाग लिया। रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से सजे मां के दरबार और मंदिर परिसर का मनमोहक दृश्य श्रद्धालुओं के दिलों में अपार छटा बिखेरता रहा। इस बार मंदिर सजावट का कार्य पंजाब लुधियाना के श्रद्धालुओं ने बखूबी किया। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य प्रदेशों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां के दरबार में पहुंचे। श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। पूरा मंदिर परिसर ऊंचे जयकारों से गुंजायमान रहा। लंबी लंबी कतारों में घंटों खड़े होकर श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन किए। हालांकि पुलिस और प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे और लाइनों में श्रद्धालुओं को मां के दरबार में भेजा गया। मंदिर परिसर में भी श्रद्धालुओं ने खूब पंजाबी भेंटे प्रस्तुत की और भंगड़ा भी डाला। कुल मिलाकर श्रद्धालुओं ने बड़े आराम से मां के दर्शन किए और नववर्ष का आगाज किया। बहुत मजा आया, बहुत अच्छा दरबार से आया माता रानी का, बहुत बढ़िया नजारा इत्थे दा, सोना मौसम है, बहुत बढ़िया। जय माता दी। माता श्री नैना देवी जी दरबार से नवे साल का प्रोग्राम प्रशासन वालों, मंदिर कमेटी वालों बहुत ही बढ़िया जिहड़ा अरेंजमेंट किया होया। सारे भक्तों नूं नवे साल दी बहुत बहुत सारिया मुबारकां। जयकारा मां नैना देवी दा, बहुत सच्चे दरबार की। माता दे दरबार ते बहुत ही भीड़ है ते हर साल दी तरह इस साल भी नवा साल बहुत ही धूमधाम नाल मनाया जा रहा है। असी हर साल ही माता दे दरबार ते आउने हां ते इत्थे हर साल दी तरह इस साल भी बड़ी धूमधाम नाल माता दा नवा साल इत्थे मनाया जांदा है। माता दी जय। माता दी। सिटी चैनल के लिए नैना देवी से कैमरामैन राज के साथ मुकेश गौतम की रिपोर्ट।